की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कहने से बोलने से ही कृपा आती है, वो तो मन की पड़ रही होती हैं शक्तियाँ, और सब पर जहाँ जहाँ बैठा है वो कृपा कर रही होती हैं। वास्तव में चाहे पूर्णमासी है, चाहे समागम है या शो है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये उसी कृपा का एक रूप है। वो बिना कहे भी सब पर कृपा करती हैं शक्तियाँ। लेकिन हम सबसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे वो कृपा भी आती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी कभी किसी का अगर कुछ रुकता है या डिले होता है, तो ऐसा नहीं किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ी देर में मिलता है, तो कमी अपने में जरूर होती है। लेकिन एक एक को ये भी एक प्रश्न कई लोगों का सामने आता है कि हमको कैसे पता लगे कि हमारी क्या कमी है। लेकिन वो शक्तियों की कृपा इतनी होती है, क्योंकि अब इतने भक्त होते हैं, तो वो जो सच्चे मन से कर रहा होता है तो वो गलतियां उसकी जरूर रोक देती हैं, डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, और वो कृपा उसी तरह करती हैं। लेकिन जब जानबूझ के कोई गलती होती है, जानकारी में होती है, तब वो कृपा जरूर रुकती है। और हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया, उसी कृपा का एहसास कराया है। आज जो आप देखते हैं, कई लोग उस दलदल से निकल गए, उस डर से निकल गए जो लोगों ने डरा के रखा हुआ था, चाहे वो कोई तांत्रिक थे या कुछ और था। तो शक्तियां ऐसी नहीं होती हैं, वो तो मन की भावना देखती हैं, और आपने वो करना शुरू किया तो वो कृपा आनी शुरू हो जाती है और उसी से काम बनते हैं। और उनका अंत नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक काम बनाना है, उनको पता होता है कि आपकी क्या परेशानी है, क्या क्या काम है, कहाँ से कस्टमर आना है, कहाँ शादी का रुका है, कहाँ कुछ और है, वो एक एक इच्छा भी पूरी करती हैं। हाँ, जायज नजायज जरूर देखती हैं, लेकिन वो कृपा में कभी कमी नहीं होती और उनका भंडारा भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जितनी उनकी कृपा अपार है, उतना ही उनका सिस्टम जो है सेंसिटिव है। अब जो लोग भगवान को काम रुक गए तो मानते नहीं थे कि भगवान होता ही नहीं है, हमारे 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, हमारे तो काम नहीं बने, सारे मंदिर जाए, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वास्तव में साथ में जो उपाय कर लिए या कुछ ऐसे गंडे तावीज रख लिए जो उन शक्तियों को मंजूर नहीं होते कभी, क्योंकि वो शक्ति हैं, उनको आप माथा टेकते हो, हाथ जोड़ते हो, उनका प्रसाद कराते हो, स्वीकार करते हैं। अब जब उपाय के तौर पर चाहे आप कितना भी दान पुण्य करते रहो या कुछ भी करते रहो, वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो सारा कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली वो शक्तियां ही प्रिवेल करती हैं, और वो अपने भक्तों पर उसी तरह कृपा लुटाती रहती हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भक्त उस रास्ते पर चले जिससे कि वो कृपा उनकी बरसती रहे, उनके काम बनते रहे, उनके मन में डर ना हो। जो एक बार भी यहां समागम में आना तो दूर की चीज है, जिसके मन में एक पल के लिए सोच भी आई तब भी वो कृपा शुरू होती है। जैसे आप कहीं माता के जाते हो, साईं बाबा के जाते हो, या कहीं और जाते हो, जो कुछ भी यहां निकल के आता है, किसी का 10 साल बीत गए, काम बन गए, नहीं गए, बुलावा नहीं आया, किसी का कुछ और था, हम ये मन्नत थी, तो वो चाहे वो किसी की अगरबत्ती हो, चाहे चादर हो, चाहे माता की चुन्नी हो, आप भूल जाओगे। अभी किसी का जैसे माँ काली का आ रहा था कि 20-22 साल पहले माँ काली ने कृपा की, उनको संतान हुई, लेकिन काम निकल गया, उसके बाद वहां 3 घंटे का रास्ता भी वो तय नहीं कर पाए 22 साल में। तो फिर शक्ति अपनी शक्ति दिखाती है। बाबा जी प्रणाम। बाबा बहुत परेशानी है, बड़ी बेटी का शादी
2010 में किए थे, 11 में शादी टूट गया, पूरा चीज ले लिया और उल्टे केस उस चल रहा है, अभी कुछ लौटाने का नाम नहीं ले रहा है बहुत। पर दोनों बेटी को चाह रहे हैं कि अपना पैर पर खड़ा हो जाए, आज दोनों का एग्जाम है। छोटी बेटी का अच्छा कॉलेज चाहिए बाबा, बड़ी बेटी का दे दीजिए गवर्नमेंट जॉब। और आज एक भाई का भी मेरा था, उसका ये शो का बुकिंग नहीं आ सका। वो आपकी गड़बड़ है, कुछ ग्रहों के उपाय वगैरह किए थे बहुत पहले, जब से आपसे जुड़े हैं बाबा, तो उससे थोड़ी गड़बड़ हुई। अब एक काम करना, सिर्फ ये छठ की तरफ क्यों ध्यान चला गया? छठ करवाते हैं बाबा, सूप देते हैं, पहले मेरी सास करती थी, पहले सास करती थी, अब कोई नहीं करता, नहीं किसी को। हाँ तो किसी से करवाते चलो हैं। आप सूर्य को महीने में दो बार जल दे दिया, हाँ, दे रहे हैं। और एक ठेकुआ समझते हैं ना, हाँ, वो बना के 5-7 गरीबों में बांट दो, जाओ कृपा इशू हो जाएगी। और एक सेकंड, हाँ, ये घी का डिब्बा क्यों आ रहा है? घी तो जब से आपसे जुड़े हैं तब से हम दीपक घर में नहीं जलाते हैं, इसके बाद तो और कहाँ, पहले कभी चढ़ाया? घर में दिया जलाते थे, चढ़ाए नहीं है कहीं बाबा। अच्छा, घर में जलाते थे, हाँ, वही छठ में देते हैं घी, जहाँ पूजा करवाते हैं ठेकुआ का, मतलब ठेकुआ का छठ में देते हैं। वो कौन सा ऐसा है कि आप नवरात्रों में माता का जलाते हैं, कभी उससे गड़बड़ नहीं होती है? ये छठ में कौन सा घी देते हो? तो वही डब्बा वाला ही देते हैं, सुधा का या हमेशा यही दिया है या कोई और भी दिया है? नहीं, यही दिए हैं। जो छठ करते थे पहले, हाँ, उनके तरीके और अभी जो, हाँ, फर्क पड़ा, हाँ, है कुछ? हाँ, पहले हम लोग की मतलब देवरानी थी वो करती थी, और अभी हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले लोग से करवाते हैं, तो दोनों में अंतर है। हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जमशेदपुर में करवाते हैं, जमशेदपुर से आए हैं बाबा, तो अभी दोनों अंतर है, बहुत अंतर है, बरकत नहीं है बाबा, परेशान करना। छठ में 2-3 बार जो है ना फल दे देना कुछ, हाँ, सेब जो है 1-1 किलो 2-3 बार दे देना गरीबों को छठ में। छठ के दिन जब आप करवाते हैं, हाँ, तो ये भी आपका मंजूर होना शुरू हो जाएगा और कृपा निश हो जाएगा। बाबा जी महाराज के श्री चरणों में सरसत नमन। बाबा जी मैं देहरादून से आया हूँ, दिनेश कुमार शर्मा। बहुत परेशान है बाबा जी, हम बहुत परेशान है। आपने देहरादून बोला ना जी, वहाँ साई बाबा का मंदिर है ना? जी हाँ। वहाँ कब गए? मैं अभी 2-4 बृहस्पतिवार को गया था, जो गया है उस गया था बाबा जी। मैं जो महीने 2 महीने में एक बार कड़ी चावल बना के वहाँ गरीबों को उस मंदिर के सामने बांट दिया करो, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बैठ जाओ। बाबा जी मेरे तीनों बच्चों पर कृपा करो, कृपा करो। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपका कृपा तो बहुत है, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा 5 समागम है ये। लेकिन बाबा जी मेरे हस्बैंड का बहुत सारे कर्ज है और हमारे सारे दुश्मनी दुश्मन भरा पड़ा है। आपने माता का श्रृंगार चढ़ाया? हाँ, ये नवरात्र चुन्नी सार सब कुछ चढ़ाया, खासकर लिपस्टिक, वो सब कुछ, चूड़िया सब कुछ अंदर। पहले कालका माता में चढ़ाया था दुर्गा पूजा के टाइम में, लिपस्टिक अच्छा सा लिपस्टिक देके अच्छा वाला चढ़ाया था ना पहले, इस बार नहीं चढ़ाया? इस बार नवरात्र में मतलब उसमें जो था वो ही दे दिया। कि वो फिर से चढ़ा दो, कृपा इशू हो जाएगी। और हाँ, जब भी आप ये नवरात्रों का करो तो एक अच्छा लिपस्टिक माता का जरूर चढ़ा दिया करो। अच्छा, और बाबा जी मेरा बेटा बहुत डरता है, पता नहीं क्यों इतना डरता है, उसका सारे दोस्त उसे डराते रहते हैं, बहुत डरता। आशीर्वाद है उसके लिए। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी मेरी छोटी लड़की ने शादी अपनी मर्जी ना कर ली, मिलन नहीं देंदे, तो मिले सानू आके मिल जाए, लड़की नाले घर की रजिस्ट्री हो जाए, रजिस्ट्री नहीं हो रही। केड़ी जगह तो आए? लखनऊ तो बाबा जी। एक गुरु ग्रंथ साहब बड़ा सामने आंदे पे ने? हां जी पढ़दी हां बहुत। तुसी पढ़दे हो गुरुद्वारे च? उन जी पढ़दी हां मतलब अपने आप। बाबा जी पिता का भी कोई काम नहीं चल रहा, उन्हें करना धरना बहुत है घर से, और पेके वाले मैनू नहीं मिलना चाहते, टूट टूट के कर दी, जबकि मैं हमेशा इलाज ही कराया बाबा जी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲਖਨਊ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਔਰ ਪਰੌਂਠੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੰਤਰ ਚਲੇ ਨਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਰਹੇ ਦੁਖੋਂ ਕਾ ਘੇਰਾ, ਭਾਗਯ ਉਦਯ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਬ ਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਸਮਾਗਮ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.nirmalbaba.com ਪਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਅਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ www.nirmalbaba.mobi ਪਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी को प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मैं पिछले महीने ये सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आया हूँ। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपकी कृपा से मेरी पति को जॉब मिली है, बस एक घर हो जाए अपना खुद का। प्रणाम। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपने मुझे यहाँ इंडिया में ही नहीं बाहर भी घुमाया है। मैं सिंगापुर, मलेशिया, इटली में सब जगह घूम कर आई हूँ 2.5 साल से। चेंजेस तो बहुत आए हैं, लेकिन एक ही चेंज चाहती हूँ कि अब मेरी लाइफ सेट हो जाए। हे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं यूपी बलिया से आई हूँ। आपकी कृपा बहुत अपरंपार है बाबा जी, हर पल आपको अपने साथ महसूस करती हूँ बाबा जी। बहुत सारी खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको। बाबा मेरे बेटे की शादी, थोड़ी परेशानी हो रही है, उसकी शादी करा दो बाबा, आशीर्वाद दो बाबा। और बिटिया की शादी आपकी कृपा से बाबा, ताज होटल से की बाबा, सब लोग आश्चर्य कर रहे थे बाबा, सब आपकी कृपा। मेरा तो कोई औकात ही नहीं है बाबा, बाबा बहुत कृपा है बाबा। थोड़ा यूएस जाने में ना बेटी दामाद को परेशानी हो रही है बाबा, आशीर्वाद दे दो बाबा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन। बाबा जी आपकी कृपा से मेरे भाई का MBBS में सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर। और बाबा जी मैं जो दो बिस लेके आपके पास आया हूँ, उनको पूरा करिएगा, कृपा करिएगा, कृपा करिए। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ और इतनी सारी एक्सपीरियंस है कि कौन सा बोलूँ समझ ही में नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर सडनली शिरडी का प्रोग्राम बन गया, मैंने नहीं बनाया, भाई ने बनाया, लेकिन मैं चले आई। और अब भी पूरा साल का बना दिया आपने, सिद्धि विनायक का बना दिया आपने, तिरुपति का बना दिया और वैष्णो देवी का बना दिया, पूरे साल का, और भी फ्लाइट से बना दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। मैंने 2-3 दिन पहले से यहाँ आने के लिए सोच रहा था, जो हो सके तो मतलब आ ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा कृपा हुआ कि मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने बाबा जी। बहुत कष्ट हुआ, कृपा कीजिए मुझे।
बाबा जी मेरे और मेरे पति और बच्चे के तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं पूर्णिया बिहार से आई हुई हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मेरे फादर अगले जुलाई में जो है बहुत ही सीरियस हो गए थे। मेरी 8 साल की बच्ची बोली, तुम निर्मल बाबा को बहुत मानती हो, तुम उनके दरबार में जाने के लिए कहो। और तब नाना जी की तबीयत ठीक होगी, तो उसी के बाद से उनके स्थिति में सुधार होने लगे और अभी पूरे तरह से ठीक है। पापा जी नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। पापा जी जुआ से तो दो बेटी गए, पापा जी बहुत थोड़ी अपा कत्या। मेरी बड़ी बेटी 4.5 साल बाद बच्चा तुसी दिता, और वो बच्चा 6 हफ्ते पहले ही पिछले संडे 10 बजे हो गया। मैं इतने आई हूँ इस वेले बच्चा मेरा हॉस्पिटल दे विच। पापा जी उदी तंदुरुस्ती लई मैनू आशीर्वाद। पापा जी मेरिया दोनों बेटियां नू आशीर्वाद दियो। बाबा जी बस, बाबा जी मैं सब कुछ तुहाडा दिता आ, बस मेरे बच्चे नू तंदुरुस्तियां बख्श। बाबा जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बाबा जी जब से आपसे जुड़े नवंबर 2011 से बड़ा ही आनंद है और जीवन में हर वक्त तरक्की ही कर रहे हैं। बाबा जी एक मन में इच्छा लेके आया हूँ, उसे जरूर पूरा करें और अपना आशीर्वाद देना गुरुदेव। जय हो, निर्मल दरबार की जय। बाबा के चरणों में हमारे परिवार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा यह मेरा दूसरा समागम है, पहला समागम में मैं 4 व्हीलर का विश मांगे थे, आपने दे दिया। इस समागम में 2 विश है बाबा, उसको पूरा करना बाबा, हमारे परिवार के सभी पर आशीर्वाद देना। प्रणाम बाबा, मैं 12 सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ। पिछले दिसंबर में मेरा एक रेलवे में पीटी पहला स्टेज हो गया है, दूसरे स्टेज का एग्जाम देकर आया हूँ, कृपा करें भगवान। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा हमारे परिवार पर कृपा करते आए और हमें पता है कि आगे भी आप करते रहेंगे। कुछ इच्छाएं थी मन में जो आप पूरी किए हैं, अब कुछ दृढ़ विश्वास कुछ इच्छाएं लेके आई हूँ, पता है आप पूरा करेंगे। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने बिना बोले मुझे सब कुछ दे दिया बाबा। मैं ड्राइवर था बाबा, 2000 रुपये की नौकरी करता था, 1,00,000 रुपये कमाता हूँ मैं गर्व से कहता हूँ बाबा। और मुझे मेरे मिसेज के जॉब में प्रोग्रेस चाहिए बाबा और बहन की शादी में। थैंक यू बाबा। नमस्ते बाबा, मैं 2006 से 2007 से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे को जो इच्छा है वो सब इच्छा पूरी हो जाती है, और मैंने जो स्ट्रगल करा था दुकान पे सबके जा के, वो आज उस तो अच्छा हो गया है उतना के पूछो नहीं। जो मन में इच्छा होती है वो सब आप पूरी कर देते हैं, आपकी कृपा रखना बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। मैं 2010 से जुड़ा हूँ आपसे, जब से जुड़ा हूँ तब से मेरा सारा काम होता है आपका नाम लेता हूँ। तो अभी जो 20 लेके आया हूँ वो पूरा हो, कृपा कीजिए। शक्तियों की कृपा अपार सब पर जा रही है। जय हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है, निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए
www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।